हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शानू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं जगने के बाद अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए अपना फ़ोन उठाती हूँ एंड उसमें अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलती हूँ। यूट्यूब स्टूडियो एक ऐप होता है जहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल की सारी जानकारियाँ होती हैं। तो मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलकर अपनी अर्निंग चेक करती हूँ, अपने वीडियोज़ पे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स वगैरह चेक करती हूँ। एंड इसके बाद मैं ओपन करती हूँ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे मैं सब कुछ चेक करती हूँ। एंड इस तरह से 10 से 15 मिनट जगने के बाद मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ। मोबाइल रखने के बाद मैं अपना बेसिक रूटीन स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले पीती हूँ एक गिलास पानी। और मैं पानी पीने के लिए एक कॉपर ग्लास का यूज करती हूँ, जिसमें मैं रात को ही पानी भरकर रख देती हूँ एंड मॉर्निंग में इस तांबे के ग्लास से पानी पीकर दिन की शुरुआत करती हूँ। कॉपर या तांबे के बर्तन में पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो मैंने जाना कुकू FM पर ये ऑडियो बुक आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ को सुनने के बाद। इस ऑडियो बुक में ऐसी कई सारी होम रेमेडीज़ हैं जिनको सुनने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप अपनी बॉडी और हेल्थ को बहुत सारी बेनिफिट्स दे सकते हो, कई बीमारियों से बच सकते हो। इसके लिए आपको बस कुकू FM पर जाकर ये ऑडियो बुक, जिसका नाम है आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ को सुनना है। इसको सुनने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी रिगार्डिंग आयुर्वेदा। गाइस, कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसमें आपको और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हो। और गाइस, इन ऑडियो बुक्स को रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप इन बुक्स को अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। और मैं आपके लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई हूँ, जिसमें मेरे फर्स्ट 250 यूजर्स, यानी कि जो मेरे पहले 250 यूजर्स होंगे, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उन सभी को 50% डिस्काउंट मिलेगा कुकू FM के सब्सक्रिप्शन पर। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको 399 का आ रहा था, वो अब आपको सिर्फ 199 रुपये में ही मिल जाएगा। बस आपको मेरा कूपन कोड SNP50 का यूज करना है। आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स और कोड दे दूंगी, आप वहाँ से कुकू FM को डाउनलोड करो और इन ऑडियो बुक्स को एंजॉय करो। तो गाइस, पानी पीने के बाद मैं जाती हूँ फ्रेशन अप होने, मैं ब्रश करती हूँ, मैं माउथ वॉश का यूज करती हूँ। एंड माउथ वॉश का यूज मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने अपने दांतों में ब्रशेस लगा के रखे हुए हैं, तो इसके लिए मुझे साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। एंड इसके बाद सिंपल पानी से मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करके मैं आती हूँ, टॉवल से अपना फेस पोंछ लेती हूँ एंड इसके बाद मैं जाती हूँ अपना फेवरेट काम करने, जो होता है खुद के लिए चाय बनाना। कि मैं सुबह सवेरे 10 बजे जगती हूँ, तो तब तक घर का सारा काम हो चुका होता है, इसलिए मैं अपना चाय बनाती हूँ। एंड इसके साथ ही मैं सुबह अपने ब्रेकफास्ट का भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने गैस पर दूध चढ़ा दिया है और इधर मैंने रात को फूलने के लिए बादाम दे दिए थे एंड इसको पील ऑफ करके मैं ले लेती हूँ एंड तब तक यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। तो गाइज, आप सब जानना चाहते होंगे कि मैं इतना लेट सवेरे क्यों जगती हूँ। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ एंड इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर भी अभी काम कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो इसके वजह से जो मेरा दिन का शेड्यूल होता है वो काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि मुझे दिन भर वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है और इसके साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना पड़ता है, जो मेरा स्टडी का रूटीन है उसको फॉलो करना पड़ता है और वीडियो शूट करने के साथ वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा काम होता है जो आपको वीडियो अपलोड करने से पहले करना होता है। तो इसलिए लेट नाइट हो जाता है मुझे सोने में, रात के 2 से 3 बज जाते हैं। तो मैं अपने प्रॉपर स्लीप का जो रूटीन है उसको बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं रात को अगर लेट सोती हूँ तो सुबह लेट ही जगती हूँ। एंड चाय बनाने के बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से ये छिले हुए बादाम और थोड़े से अखरोट। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, जिसको मैं आराम से बैठकर हाथों में मोबाइल लेकर चलाते हुए फिनिश करती हूँ। एंड सुबह का नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद मूड अच्छा हो जाता है, तो इसके बाद आ जाती है बारी स्टडी करने की। तो इसके लिए जब आपने अपना मूड अच्छा कर लिया तो आपको अपना बेड और रूम भी अच्छा करना चाहिए। मैं अपना बेड बना लेती हूँ, चादर को मैं अच्छे से सवार लेती हूँ एंड जो भी चीज़ें इधर उधर गिरी हुई पड़ी हैं सबको अपने अपने जगह पर रखकर, एंड इसके बाद मैं जाती हूँ अपनी
पढ़ाई करने। पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए मुझे अपने आसपास बहुत ही नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो इसके बाद सुबह का जो मेरा रूटीन है वो है पढ़ाई करने का। मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ, एंड सुबह जो मैं पढ़ाई करती हूँ वो अपने लैपटॉप से करती हूँ। तो मैं सुबह 10 बजे जग जाती हूँ एंड बाकी 1 घंटे मैं सारा काम करके 11 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और लगभग 11 से 12 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ। एंड 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपना लैपटॉप बंद करती हूँ एंड जाकर मैं शावर ले लेती हूँ। तो लगभग 12, साढ़े 12 बजे जाकर मैं शावर ले लेती हूँ एंड इसके बाद फिर आगे का रूटीन मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, नहाने के बाद मैं भगवान को थोड़ा सा प्रे कर लेती हूँ एंड इसके बाद मैं जाती हूँ पेट पूजा करने। दोपहर के लगभग 1 बजे मैं अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ब्रेकफास्ट में मैंने बस ड्राई फ्रूट्स और चाय ही ली थी, तो उससे आपका दिन का काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए दोपहर में नहाने के बाद, अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं जाकर खाना खा लेती हूँ। और खाते खाते मैं मम्मी से 2-4 बातें भी कर लेती हूँ। तो आज खाने में रोटी और भिंडी की सब्जी और कच्ची कैरी की चटनी। तो मैं तब तक खाना फिनिश करती हूँ और आप आगे की वीडियो कंटिन्यू रखो। तो दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना पसंद करती हूँ। तो रेस्ट लेने के लिए मैं आराम से अपना ईयरफोन लगाती हूँ और मोबाइल में यूट्यूब स्टार्ट करके मैं अपने आप को कुछ देर के लिए रेस्ट देती हूँ। तो 15 से 20 मिनट तक रेस्ट लेने के बाद, यूट्यूब चलाने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ अपने रूटीन पे। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने बालों को थोड़ा सा डिटैंगल करके बालों का एक बन बना लेती हूँ, ताकि दिन भर जो भी मैं काम करने वाली हूँ मेरे बाल मुझे डिस्टर्ब ना करें। बालों को मैंने समेट लिया, बालों का जूड़ा बना लिया। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ अपने बॉडी पे और अपने फेस पर। तो एक तरह से ये मेरा हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन है जो मैं डेली दोपहर के टाइम पे फॉलो करती हूँ नहाने के बाद। तो जैसा कि मेरे फेस पर आप ये छोटे छोटे पिंपल्स के दाने देख सकते हो, तो इसको ठीक करने के लिए ये दवाई है जो मैं डेली अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ दिन के 2 टाइम। तो इस तरह नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद और खुद की थोड़ी सी पैम्परिंग करने के बाद स्टार्ट हो जाती है मेरा दिन का रूटीन, जो है पढ़ाई करना या फिर यूट्यूब वीडियो बनाना। तो आज तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आप के सामने है, वो आप देख रहे हो, तो इसलिए आज मैं अपनी पढ़ाई ही कंटिन्यू रखूँगी। तो अगर जिस दिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी होती है या फिर जिस दिन मुझे यूट्यूब का काम करना होता है, तो मैं खाना खाकर आराम से रेस्ट करके 2 बजे से स्टार्ट करती हूँ अपनी यूट्यूब की शूटिंग। और जो भी वीडियो मुझे बनाना होता है मैं सारा दिन वो वीडियो ही तैयार करती हूँ, और जो पढ़ाई होती है वो मैं रात को कंटिन्यू करती हूँ। और अगर मुझे दिन में YouTube बनाने का मन नहीं होता है तो मैं दिन भर बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ, और जो YouTube का काम होता है वो मैं रात को कर लेती हूँ, जैसे कि एडिटिंग करना। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल जो है वो चलता रहता है, इसको मैं मैनेज करके रखती हूँ, ताकि मेरा जो YouTube है और जो मेरी पढ़ाई है दोनों ही साथ में होते रहे। तो दिन में लगभग मैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ, एंड इसके बीच मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट भी लेती हूँ, जिसमें मैं स्नैक्स खाती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ, थोड़ा सा मम्मी से बातें कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ। वो चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई है,
और इसके बाद का जो रूटीन है वो मैं आपको इवनिंग टू नाइट वाली वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो मॉर्निंग टू इवनिंग तक की थी, तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।